दिवाली दीपावली अवसर पे उल्लू की लक्ष्मी पूजा के लिए एक विद्या का एक मतलब एक कुप्रथा है जो अब बहुत कुछ कम हो गई है। उल्लुओं का लोग जो है व्यापार या उसका अवैध शिकार पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस पीरियड में इस अवधि में जो बहेलियों के गांव हैं उन पे सघन गश्त करते हैं और जो इसका व्यापार करने के लिए पहले से अभियुक्त रहे हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि उनकी गतिविधियाँ क्या हैं और कोशिश ये रहती है कि इसका किसी प्रकार से भी व्यापार अवैध व्यापार या अवैध शिकार ना हो सके। विगत 2 वर्षों से इस जनपद में इस तरह की किसी प्रकार की घटना संज्ञान में नहीं आई है। हमारे पास सबसे निचले स्तर पे वृक्षारोपण वाचर होते हैं, वो बहुत कुछ हमारे वृक्षारोपण की सुरक्षा के साथ साथ वनों और वन जंतुओं के अवैध शिकार अवैध कटान का भी वो नियंत्रण करते हैं। उनको भी अलर्ट कर दिया गया है और फॉरेस्ट गार्ड है बीट स्तर पे और सेक्शन स्तर फॉरेस्टर हैं रेंज अफसर हैं सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि किसी प्रकार के किसी भी पक्षी का शिकार ना हो लेकिन इस अवधि में विशेष रूप से उल्लू का पे ध्यान रखा जाए कि उल्लू का किसी प्रकार से कोई किसी की डिमांड तो नहीं आई है कहीं से और कोई बट ये बहेलियों का जो बस्तियाँ होती हैं उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। वैसे हमारे हिसाब से पूछा जाए तो उल्लू जो है लक्ष्मी का वाहन है और दूसरा एक जीव है, हत्या तो नहीं होनी चाहिए। और जो करते हैं तांत्रिक प्रक्रिया में दशा तो उनकी बुरी होती है, जितने भी हमने तांत्रिक देखे हैं वो दुर्गति में मारे जाते हैं और दुर्गति होती उनकी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लक्ष्मी का वाहन है और फिर जिस पर लक्ष्मी कृपा कर देंगे उल्लू तो हो ही जाता है। कनक कनक के पाए के माधिकता अधिकार, कनक कनक के पाए के माधिकता अधिकार, एक खाए बोरा थे एक पाए बोरा है, ये लक्ष्मी का स्वभाव है। श्री राम तुम्हारी ये हो और जो है लक्ष्मी के 4 सुत हैं, पहला धर्म, दूसरा अग्नि, तीसरा राजा और चौथा चोर। और जो जेठे को नहीं मानो धर्म को नहीं मानोगे धर्म का पालन नहीं करोगे तो 3 तो भरपूर कर ही देंगे, ये तो चोरी हो जाएगी या राजा खींच ले जाएगा या आग लग जाएगी, ये लक्ष्मी का स्वभाव है। इसलिए लक्ष्मी को बड़े जो है हिसाब से दीपावली के दिन हम पूजते हैं और उसके साथ में उल्लू भी रहता है, वाहन है उनका तो उनकी भी पूजा होती है। लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आई। रही सवाल उल्लू की बात, तो उल्लू का रोम रोम जो है तांत्रिक होता है, पाल लो तो वो भी तांत्रिक है क्योंकि ये उल्लू जो है महाभारत से ज़्यादा लगाव रखता है। देखिए हमारे यहाँ बहुत से अंधविश्वास फैले हुए हैं और उसका मैं चाहता हूँ कि वो दूर हों। उल्लू को लोग ये मानते हैं कि उसको अगर हम पकड़ लें उसको सिद्ध कर लें तो उससे हम सारी अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये सब आजकल के शॉर्टकट्स अपनाए जाते हैं, कोई भी कर्म नहीं करना चाहता, जबकि हमारे यहाँ अगर वास्तविक हमारा सनातन धर्म देखें तो रामायण से लेकर गीता तक में कर्म पर जोर दिया गया है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, कर्म जो है जो वो करता है मनुष्य। इसीलिए आप देखिए कि हाथों की उंगलियाँ जो हैं वो हथेलियों से ऊपर बनाई गई, उससे ये बताया गया मेहनत सबसे पहले, आपके भाग्य से भी पहले मेहनत है। लेकिन लोगों ने शॉर्टकट्स को अपना के मतलब जल्दी धनवान हो जाएं, ये एक उल्लू ही अकेली बात नहीं हो गई, लोग ड्रग्स अफीम और गलत और भी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि बहुत जल्दी पैसा आ जाए। और सबसे मेरा ये कहना है कि शॉर्टकट्स के चक्कर मत पड़िए, थोड़ा सा मेहनत करिए, कर्म करिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए, ईश्वर आपको सब कुछ देगा। सिर्फ महत्वाकांक्षी होना पर्याप्त नहीं है और आपको मेहनत करनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और ये जीव हत्या किसी भी प्रकार की बंद होनी चाहिए। उल्लू जो है प्रायः हमारी जो आने वाली पीढ़ी शायद देख ही ना पाए उल्लू कोई प्राणी भी था, तो इसलिए उल्लू की हत्या उल्लू की बलि इस तरीके के अंधविश्वास पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए।